तेजस्वी को नेतृत्व सौंपेंगे, ये बात तो किसी को हजम नहीं हो रही है। विधायक सांसद को छोड़िए, जो नीतीश के समर्थक मतदाता हैं, वो भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कभी अर्श पे कभी फर्श पे ये जिंदगी तेरे तलाश में हम कहां कहां से गुजर गए। जो नीतीश जी कहते थे कास्ट और क्राइम से मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कम्युनिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, आज राजनीति में भ्रष्टाचार के पर्याय, वंशवाद के पर्याय लालू जी हैं। नीतीश जी किस प्रकार सिद्धांत विहीन हो गए हैं और सत्ता के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित या ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन और उसका लोकार्पण किया है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर हैं। संजय टाइगर जी, कल जो है लालू प्रसाद ने एक भव्य समारोह में उस पुस्तक का लोकार्पण किया है, क्या कहेंगे? कभी अर्श पे कभी फर्श पे ये जिंदगी तेरे तलाश में हम कहां कहां से गुजर गए। जो नीतीश जी कहते थे कास्ट और क्राइम से मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कम्युनिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, 3C की बात करते थे, आज राजनीति में भ्रष्टाचार के पर्याय, वंशवाद के पर्याय लालू जी हैं। और उनसे अपने किताब का विमोचन करवाना इस बात का संकेत देता है कि नीतीश जी किस प्रकार सिद्धांत विहीन हो गए हैं और सत्ता के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। कल बड़ा प्रकरण हुआ, देश भर में चर्चा का विषय है कि महाराष्ट्र में NCP दो भागों में बट गई और कुछ नेता शरद पवार के पास रह गए, कुछ और जो भी नेता थे वो भाजपा में अजीत पवार के साथ चले गए। तो इस पर ये बयान आ रहा है राजद की तरफ से कि जो भी जिन नेताओं पर पिछले दिनों रेड पड़ते थे, आज वो जो है भाजपा में जाने के बाद उस पर रेड खत्म हो गई, भ्रष्टाचार उस पर खत्म हो गया। क्या एक तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो NCP का अंदरूनी मामला है। कोई भी नेतृत्व अगर पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, विधायकों और सांसदों का भावना समझे बिना कोई निर्णय लेगा तो देर सवेर उसके विरुद्ध बगावत होना तय है। महाराष्ट्र में यही हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में आप आगे बढ़ रहे थे, लोगों को मंजूर नहीं था, पार्टी के लोगों को मंजूर नहीं था, वंशवाद कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। पार्टी की कमान आप बेटी को देना चाहते थे, उसके विरुद्ध अजीत पवार ने बगावत किया। बिहार में ये कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का दो निर्णय, पहला निर्णय NDA के साथ जीतकर आना और लालू जी के साथ चला जाना, और दूसरा यह घोषणा कर देना कि भविष्य में गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, दल के अधिकांश विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हजम नहीं हो रहा है, इसको लेकर पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद है, कलेश है, हलचल है। और वह जो हलचल है, जो चिंगारी है, कभी न कभी विस्फोट का रूप ले सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो वह स्थिति बिहार में हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट लग गया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब मैं फिट हो गया हूँ, भाजपा को फिट कर दूंगा, तो इसी पर वो उनका कहना है कि इसी बयान के मद्देनज़र जो है ये सब प्रक्रियाएँ हो रही है। नहीं, जमीन के बदले नौकरी के मामले में तो लालू जी पर पहले से चार्जशीट हो चुका था, तेजस्वी जी पर अभी हुआ है। तो यह कहना कि विपक्षी एकता, ये मामला आज से तो नहीं चल रहा है, चार्जशीट तो विपक्षी एकता की बैठक बहुत पहले हो चुका था बाकी लोगों पर। ये सप्लीमेंट्री जो हुआ है उसमें तेजस्वी जी का नाम आया है, जो आना था इसका अंदाजा तेजस्वी जी को था, चूँकि वकीलों से राय लिया होगा उन्होंने, प्रमाण के आधार पर, तथ्य के आधार पर चार्जशीट में नाम आया है। तो विपक्षी एकता से इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। जब लालू जी चारा मामला में जेल गए थे, सजबता हुए, अभी भी बेल पर हैं, तो उस समय कौन विपक्षी एकता की बात थी? लालू जी जब जेल गए थे उस समय विपक्षी एकता कौन सी बात थी? तो इस मामले को आप अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा, जाँच एजेंसियाँ जाँच करेंगी,
इसको विपक्षी एकता के बैठक से जोड़ना मुझे लगता है कि मुद्दे को डाइल्यूट करना है। क्या लगता है, आप लोगों ने तो जो है इशारा भी दे दिया है कि बिहार में जो है अब सरकार बहुत कम दिन तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो घटक दलों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कई मसलों पर, चाहे स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जदयू और RJD में सब कुछ सामान्य नहीं है, और दूसरी बात जदयू को के अंदर कुछ लोगों को आशंका है कि RJD में मर्जर कर दिया जाएगा जदयू को, जिसका खंडन राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना पड़ रहा है, इसको लेकर लोगों में मर्मरिंग है। अधिकांश लोग इस पक्ष में नहीं है, कुछ लोग तो इस पक्ष में भी नहीं थे कि लालू के साथ मिलकर सरकार बनाया जाए, फिर विलय की बात लोगों को स्वीकार नहीं है, और तेजस्वी को नेतृत्व सौंपेंगे ये बात तो किसी को हजम नहीं हो रही है। विधायक सांसद को छोड़िए, जो नीतीश के समर्थक मतदाता हैं वो भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसको लेकर पार्टी के अंदर मैंने पहले भी कहा कि बहुत असमंजस की स्थिति है, और निकट भविष्य में जदयू के अंदर कोई बड़ी टूट हो जाए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे संजय टाइगर, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। आने वाले दिनों में जदयू में टूट हो, इससे कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, और जो CBI के जो चार्जशीट जो हुए हैं तेजस्वी को लेकर के, उस पर भी बातचीत हुई। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।